लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खाए कहता जाए, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स। Assalamualaikum and good morning everyone. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे. और जो कुछ भी आप अच्छा सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं या हमारे शो के ज़रिए जो अवेयरनेस, जो नॉलेज आपने गेन की है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ख़ुद को बदलने के लिए, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने के लिए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, उन पर आप अमल भी कर रहे होंगे. बहुत सारी बातें हमने की शो पर, काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, थॉट्स के हवाले से बातें की हैं. देखिए, नॉलेज तो अब हमारे पास आ गई है, लेकिन उसका हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है. नॉलेज पहले भी मेरा ख़्याल से आपके पास थी, अब भी आ गई है, तो देखना यही है, अपना आपने मुशाहिदा करना है, हमेशा अपने आप को, अपने आप पर गौर करते रहना है कि अच्छा, क्या मैं बेहतर हुई हूँ, क्या पिछले महीने से ज़्यादा कुछ तब्दीली आई है, या पिछले साल से बढ़कर मैंने कोई टैलेंट, कोई स्किल हासिल किया है, क्या चेंजेस आए हैं मेरे में, या कई सालों से मैं इसी तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ, क्या अब भी मुझे उसी तरह से गुस्सा और चिढ़ आती है किसी की बात पे, या हालात पे, या कोई परेशानी आती है तो मैं उसी तरह से हिल जाती हूँ, अंदर से बेचैन हो जाती हूँ, क्या मैं अभी भी फ़िक्रमंद रहती हूँ और टेंशन लेती हूँ, डिस्टर्ब हो जाती हूँ बहुत जल्दी लोगों की बातों से, या अब मेरे अंदर कंट्रोल आ गया है, अब मैं नेगेटिव सोच को कंट्रोल करके पॉजिटिव सोचना शुरू कर देती हूँ, अपनी थॉट्स पे मेरा कंट्रोल आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे ये यकीन मेरा बढ़ रहा है कि हाँ, मेरी सोच से बहुत कुछ है, मेरी सोच से आगे का मेरा फ्यूचर है, मेरी आगे की खुशी है, बेहतर ज़िंदगी है, तो क्यों ना मैं अपनी सोच को बेहतर बनाऊँ. बहुत सारी चीज़ें हैं. क्या आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं? क्या आपकी स्पिरिट, आपकी रूह मजबूत हो रही है? क्या आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें हैं, ये जो आप जानते हैं, हमने अपने शो पे भी डिस्कस की, लेकिन देखना ये है, सवाल ये है कि वाकई में कुछ चेंजेस आई हैं आपकी ज़िंदगी में या नहीं आई हैं. मेडिटेशन करना शुरू किया आपने, 5 मिनट बैठ कर कुछ पॉजिटिव थिंकिंग एफर्ट के साथ किया, लाफिंग थेरेपी की आपने, नहीं की कुछ नहीं तो दिन में 2 मिनट ही सही, हंसते रहें बिला वजह हंसते रहें. हाँ जी, अब नफ्स के साथ, शैतान के साथ लड़ना शुरू किया आपने, क्या अब आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप कहेंगे ये तो पागल हो जाऊँ, कौन कौन सी बात, इनमें से कोई एक बात भी आप पिक कर लें और उस पर लग जाइए. तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आए, आज ज़रा कॉल करके हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. कुकिंग हो रही है किचन में, क्या बन रहा है? अस्सलाम वालेकुम. अरे आप आइए ना इधर. हाँ, आपको बुलाने में ज़्यादा मज़ा आता है. अस्सलाम, कैसी हैं आप? ये रग ग्लिटर नज़र आ गया, कब से शाइन कर रहा है, और मैं कह रही हूँ आप चला गया. आप कैसे? हाँ जी, लुकिंग नाइस. ओह थैंक यू. विंटरी लग रहा है. आ गई है सर्दियाँ थोड़ी सी. ये समरी लग रहा है. ये समरी नहीं, वो बूट्स एंड डार्क कलर एंड वो, हाँ वो तो है. अब देखिएगा जीन्स एंड बूट्स में आएंगे, हाँ है ना, अगर लॉन्ग कोट्स में आएंगे, वार्डरोब भी बदल लेंगे. आप दोनों को ना, ये दोनों जो है खूबसूरत हसीन लड़कियाँ, बिल्कुल बदली नजर आएंगी. सही है ना? और क्या, हाँ लोग सोचते रहे औरतें हैं, आंटी हैं, जो भी, हम तो लड़की हैं. नहीं, मैं बोलती हूँ औरत हूँ, तो मुझे बोलते नहीं, आप अपने आप को औरत क्यों बोल रही हैं? खैर कुछ भी बोले, हम लड़की बोले. हाँ जी, क्या हालचाल है आपके, बताइए. ठीक है, आप बताएं. शाजिया में कोई चेंजेस आए जब से लाइवली वीकेंड्स ज्वाइन किया आपने, या आप वैसे ही हैं? चेंजेस आई हैं. क्या बहुत चेंजेस आई हैं? क्या, किस वे में? एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है. हाँ बिल्कुल, इसमें तो हुआ होगा. शो मिल गया इनको. शो मिल गया. हाँ, ये प्रूफ है. कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी मेरे पास. और दूसरा, एंड शाजिया प्रूव्ड इट. हाँ, आई कैन डू इट. मैंने सोचा हुआ था बस करना है, कुछ भी हो करना है. हाँ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है. ना घबराना है ना डरना है. हाँ, करना है काम. और दूसरा ये कि थोड़ी बोल्डनेस आई है. सही है.
मजा आता है बाजार में वॉक कर करके अब तो मैं शो करती हूँ तो मैं टीवी पर आ रही हूँ होता थोड़ा थोड़ा सा होता होगा होता है खुशी होती है खुशी होती है अंदर से खुशी होती है कि जो सोचा था वो कर रही हूँ मतलब कहते हैं लोग पहचान रहे होंगे अब तो है ना अब आ जाते होंगे तस्वीरें खिंचवा लेते होंगे तो ये भी एक चार्म है स्टारडम का थोड़ा थोड़ा आप जब आते हैं तो वो अच्छा लगता है और फिर बाद में हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि फिर अच्छा ओके ठीक है फाइन ऐसा है अच्छा जी आज क्या सीख रहे हैं आज तो भाई स्पेशल आज हम लोहरी पाया बना रहे हैं सबसे पहले अच्छा और पेस्टो पास्ता बना रहे हैं अच्छा सारी मेरी क्रिएशन है अच्छा हम बना रहे हैं पोटैटो बॉल्स अच्छा और बेक करेंगे क्या नहीं बेकिंग का कुछ नहीं है वो अच्छा सब फ्राइंग है अच्छा ठीक है और हम बना रहे हैं हर्बियन का हॉट चॉकलेट ड्रिंक है अच्छा हम हस को उसमें हॉट चॉकलेट में Very ये good. चारों मेरी खुद की क्रिएशंस हैं अच्छा पाए तो बहुत सालों से बना रहे आते थे हाँ 15-20 साल से ही बना रहे तो मैंने कुछ अपनी भी क्रिएशन डालनी चाहिए ना इंसान तो ये क्रिएशन आप कब करती हैं अपनी मैं ये क्रिएटिविटी कब आती है वीकडेज में और ऑफिस में बैठ के हाँ। सोचती रहती हूँ कि ये है ये खुद क्रिएट करती हूँ रेसिपी अच्छा वेरी गुड और फिर ट्राई करती हूँ पहले घर पे या यहाँ ही आकर होती हैं ट्राई करती हूँ कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ कभी कभी कोई कोई यहाँ कर लेती हूँ एंड आई थिंक पता है कि जो हाँ, अच्छी बनेगी क्योंकि हाँ, एक इंग्रेडिएंट्स हैं आपको जो डालने हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है ना पका पका के अच्छा वैसे शाजिया से मैं पूछूँ शाजिया किस तरह से आप अपने आप को रेट करेंगी एज अ कुकिंग एक्सपर्ट कौन से लेवल पर आप अपने आप को रखेंगे कि अच्छा चलो नहीं मैं 6-7 पे तो हूँ हाँ ऑफ कोर्स यही मैंने सोचा था मैंने सही आपने सही गैस किया सही गैस किया 6-7 पर है एंड अब बेटर करने के लिए अब क्या कर रही है बेटर करने के लिए खुद कहते हैं शेफ जो होता है ना वो शेफ एक कोई अपने आप को शेफ नहीं बोल सकता जब तक कि वो खुद अपनी क्रिएशन ना करे अच्छा खुद से एक हाँ एक तो दूसरों से आप अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके ऑथेंटिक रेसिपीज लेके बना लेंगे कॉपी कर लेंगे वो आसान है हाँ। लेकिन जब आप खुद क्रिएट करते हैं ना एक चीज़ तो वो क्रिएशन होती है कि उसको है। कहते हैं शेफ सही है वो कुछ भी क्रिएट कर ले हाँ। कोई भी चीज़ दो उसको हाँ। और वो अच्छे से उसको अपने उससे रेसिपी तैयार कर ले और वो रेसिपी टेस्टी भी हो खैर ये तो हमारी घरेलू खवातीन भी कर लेंगी ऐसे कोई शेफ की बात नहीं है आपके सामने भी कोई भी रेसिपी रखेंगे आप बना मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करती अपनी घरेलू खवातीन को वो भी माहिर है कम नहीं है खवातीन वैसे ऑफ कोर्स शेफ होती है घर की किंग एक्सपर्ट क्योंकि वो सारा वक्त खाने पकाती ट्रेंड नहीं है लेकिन है कुकिंग एक्सपर्ट होती है पकाती हैं ठीक है जी मजे मजे बस की खाना पकाना चाहिए दिमाग नहीं पकाना चाहिए दिमाग नहीं पकाना चाहिए अच्छी गपशप लग गई हमारे ये सोफा सेशन जो हमारा होता है और उसमें अब मेरा ख्याल से एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकायदा कुकिंग का आगाज करेंगे पाए से हम शुरुआत कर रहे हैं शाजिया पाए बनाएंगे ठीक है जो आप उबाल के लाइए वो हम पूरा प्रॉपर बता देना कि हाँ, मैं बता दूंगी कि मैंने क्या-क्या कितने के लिए थे पाए कितने पाए हैं कहाँ से लिए थे कैसे सफाई की उनकी कितने धुले हुए थे जले हुए थे कैसे थे भुने हुए थे अच्छा जी ब्रेक लेते हैं वापस हर घर में जब सब होते हैं साथ होती है प्यार की बात वेलकम बैक और ये राशर जी बाद में ले लीजिएगा अच्छा जी अच्छा। हम शुरुआत कर रहे हैं पाए से ठीक है अच्छा मैं पाए का बता देती हूँ हाँ वो जरा शक्ल हम देखें कि जो आप हाँ। लेकर आई हैं अच्छा सबसे पहले शुरुआत सबसे पहले शुरुआत कर लेते ना अनियंस रख देते फ्राई करने हाँ ये फिर उसके बाद हम बता देंगे हमने पाए कैसे बॉईल किए थे बहुत इजी है उससे भी पहले लाए कौन से पाए किसके पाए बकरे से पाए कितने के पाए कहाँ से आए ये पाए किसने दिए हैं ये पाए हाँ जी पहले प्याज ब्राउन कर हाँ सबसे पहले प्याज ब्राउन करने रख देते हैं ठीक है फिर हम बाकी चीज़ें बताएं सही मसाला तो हम इसका यहीं भूनेंगे ये अनियन है एक अच्छा है? अब हाँ। ये जो एक प्याज लिए पहले तो ये बताएं कि पाए आपने कितने लिए कितने पाए हैं पाए छः हैं छः पाए हाँ, हैं बकरी के पाए हैं बकरे के पाए हैं ठीक है और ये जो आप लेकर आए ये इसके भुने हुए होते हैं छिले हुए होते हैं क्या होते हैं नहीं साफ हुए हाँ साफ थे जब मेरे पास आए तो छः वैसे साफ करने का भी एक तरीका होता है हाँ कि आप छुरी से ना बॉयल
करने के बाद इसको छुरी से खुरचते हैं, इस पर बाल चिपके होते हैं, उतर जाते हैं, ईजिली उतर जाते हैं। ठीक है, इसमें मैं बता दूँ, इसमें मैंने हल्दी डाली थी एक चम्मच, और इसमें मैंने अदरक लहसुन डाला था, और इसमें मैंने डाली थी दो अनियन, इनको डाल के बॉयल कर लिया 4 घंटे। दो साबुत अनियन या पीस करके, वो आपकी मर्जी है, आप साबुत भी डाल सकते हैं आप पीस। ठीक है, हल्दी, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, पानी, और ये डालकर आपने कितना पकाया इसको? मैंने पकाया मतलब कि पानी डाल दिया और वो पकता रहा खुद, हल्की आंच पे रख दिया था, तो वो ड्राई बस हो गया। 2-3 घंटे 3-4 घंटे पका लें, अच्छा गल जाएंगे, अच्छे से गल जाएंगे। अच्छा, आपका टाइम सेव हो जाएगा, जैसे अगर आपको मेहमान आ रहे बनाने, पाए बॉयल हुए भी रखें, इवन कि मसाला फ्रेश बकरे के भी हो तो इतने ही पकाएं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छे गल गए, हल्की आँच पर रखे रखे ठीक सॉफ्ट से। सही है, अच्छा ये मैंने प्याज डाली, अब इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, ये साबुत गरम मसाला है, तेज पत्ते हैं, लौंग है, इलायची है, लौंग बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दोनों दोनों है। अच्छा पाए में गलते हैं। अच्छा, इसका पाए बनाना, सालन नहीं बनाना पाए का? नहीं नहीं, सालन नहीं है, पाए बनेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। मैंने तो गिव अप कर दिया, लाहौरी हैं पाए। अच्छा हाँ, मैंने पाए बनाना गिव अप कर दिया। एक दफ़ा मैंने ट्राई किया, इतना कोई बद मज़ा पाया बनाना, रियली अच्छा, मेरा आप पाए नहीं, तुम्हें पाए नहीं अच्छे दिए, जिससे भी तुमने मंगवाए ना गोश्त वाले से, पाए तुमको अच्छे नहीं दिए। हाँ, ये भी हो फ्लेवर हो सकता है, लेकिन पाए मैंने बनाए पहले बहुत, और अपनी एक मेरी फ्रेंड थी बहुत पहले, हाँ 15 साल पहले, उसको मैंने अपने पाए की रेसिपी दी थी, हाँ तो वो आज तक मेरे पाए की रेसिपी, हाँ को ना कहती है शाजिया तुम्हारी रेसिपी बहुत अच्छी थी, मैं जब भी बनाती हूँ। मैंने भी रेसिपी फॉलो की थी, माँ की रेसिपी फॉलो की थी, मज़ा मतलब ऐसे कि मैं ये भी नहीं कि चलो सालन समझ के खा लूँ, पता नहीं क्या चक्कर था, मैं स्मेल थी क्या था, वो पाए गलत थे। अच्छा ये हल्की सी ब्राउन हो जाए ना तो हम इसमें ये पिसी हुई भी है ये भी ऐड करेंगे। अच्छा ये भी साथ में, वो कितनी है? वो भी छोटी दो प्याज, छोटी दो का पेस्ट बनाया हुआ है, और ये और ये टमाटर का भी पेस्ट बनाया हुआ है मैंने, ग्रेवी करके थोड़ी सी अच्छी ज़्यादा। ठीक है, सही, मैंने खुद क्रिएट किया है। अच्छा क्या मतलब वैसे क्या होती है पाए की रेसिपी? टमाटर नहीं होते उसमें? आपकी मर्जी है टमाटर डालें, मुझे लगता है टमाटर नहीं होता, टमाटर लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि मैंने रखा है पेस्ट टमाटर का। पाए नहीं बनेंगे, मैं आपको अभी से बता रही हूँ, ये बस अच्छा सा सालन बन जाएगा या नहीं, नहीं पाए अच्छे बनेंगे। अच्छा? आप देखिएगा, सच्ची सच्ची बताऊंगी मैं, आप सच्ची बताइएगा बिल्कुल। हाँ आपने बिल्कुल जो जैसे आप बताती हैं ना, हाँ, हर बात के पाए हैं या नहीं है, नहीं टेस्ट है कि नहीं है पाए वाला? अच्छा सही है, पाए वाला टेस्ट आएगा, टेस्टी बेशक बने, पाए पक रहे हैं तो पाए वाला टेस्ट आएगा। चलो ठीक है, ऐसे चिप चिप करेंगे। अच्छा बिल्कुल, आप देखिएगा, सही है, देख लेंगे। देखिएगा और टेस्ट भी कीजिएगा। सही है जी, प्याज एक स्लाइस करके हल्की गोल्डन ब्राउन करनी है, गरम मसाला साबुत डाला, जिसमें बड़ी छोटी इलायची, तेज़ पत्ता और ये अनियन, तेज़ पत्ता और इलायची और क्या, लौंग, लौंग, और ये गया दो प्याज का पेस्ट। अच्छा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा शोरबा होगा, बिल्कुल पतला पतला पाए का होता है ना, बिल्कुल पानी जैसा मुझे अच्छा भी नहीं लगता। सही है, हर इंसान की ना, पता है मैं आपको बताऊँ, खाना पकाने का स्टाइल और हाँ टेस्ट बर्ड्स, अपनी पसंद होती है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग। सही है, तो कोई किसी खाना, जैसे हम जाते हैं कहीं होटल भी, हाँ तो कोई लोग होते हैं कि बोलते हैं अच्छा खाना था, कोई बोलते हैं हमें ये नहीं पसंद आया, हमें वो पसंद है। तो इवन के घर में, लोगों के घर में जो घरेलू आम खाना होता है, वो ऐसा कुछ लोगों में तो बड़ा ही बदमज़ा किस्म का बन रहा होता है, वो ही खा रहे होते हैं। हाँ उनको वही अच्छा लग रहा है। ऑयल डालो, उसमें 2 टेबल स्पून घी के भी ऐड करें, घी। हाँ ठीक है, ठीक है, घी से भी अच्छा फ्लेवर आता है मेरा। ये प्याज हल्की सी कच्चापन इसका हाँ ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मैं इसमें अदरक लहसुन हाँ और उसमें फिर बाकी मसाले ऐड करके पाए ऐड करती हूँ। अच्छा तो इसमें डिफरेंट ये है कि बाकी तो मैं आपको बता देती हूँ, काली मिर्च चाहिए 1 टीस्पून, ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये इसमें कोकोनट जाएगा, कोकोनट पेस्ट भी डाल सकते हैं, क्रश है। हाँ बिल्कुल ही अलग है रेसिपी। ये कौन से लाल पाए हैं, ये खा के भी आई हैं या खा के आई? अच्छा ये लाल मिर्च पाउडर है। अच्छा 1 टीस्पून ये जाएगा, गरम मसाला 1 टीस्पून जाएगा। अच्छा ये
ये इसमें नहीं रखना। चलो ये तो पका जाएगा तो फिर ये तो मैंने इसलिए बोला था, वो रेसिपी उन्होंने रख दी कि ये पकाया था ना जब उसको, तो वो डाल के पकाया था। और इसमें ये भी पेस्ट जाएगा हरा धनिया का। अच्छा, यूनिक फ्यूजन पाए बन रहे हैं। हाँ, और हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून और नमक हसबे जायका। ठीक है, तो ये डालेंगे दही किस वक्त? हाँ, किस वक्त डाल रहे हैं? बस ये डाल रहे हैं हम मसाला भून के। दही जाएगी 1/2 कप। हाँ, फिर हम उस वक्त देखेंगे ना जैसे जैसे आप उसमें डालती रहेंगे। अच्छा जी, आज हम आपको बताते चले। अच्छा, पहले आता हाँ रेसिपी हो जाए। चला गया क्या अदरक लहसुन? हाँ, अदरक लहसुन चला गया। धनिया मिक्स कर लें ज़रा सा इसको। हाँ, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर कितना है? कितना? 1/2 टीस्पून। हाफ टी स्पून? हाँ हाँ, 1/2 टी स्पून काली मिर्च चली गई। हाँ, हल्दी। हाँ, 1 टी स्पून। लाल मिर्च 1 टी स्पून। गरम मसाला 1/2 टी स्पून। ठीक है, ये कोकोनट। ओके, ये मोटा मोटा कटा है ऐसे? इसका मतलब पेस्ट नहीं है, है ना? चॉप्ड है। चॉप्ड पेस्ट बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, पेस्ट जाता है वैसे इसमें। और टमाटर, दही अभी? हाँ, टमाटर ये सारा ना भुन जाएगा, फिर मैं इसमें पाए डालूँगी। ठीक है, टमाटर कितने? कोई 3-4 टमाटर का पेस्ट? छोटे टमाटर? दो टमाटर। दो टमाटर। दही को मैं थोड़ा ठीक है कर लेती हूँ। ठीक है, मैं जब दही ऐड करती हूँ हुमा से बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हुमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है किरण? बहुत अच्छी, बहुत प्रिटी, खुश, लकीएस्ट, हैप्पीएस्ट एंड रिचेस्ट पर्सन से बात हो रही है आपकी? मैं भी बहुत खुश हूँ, हैप्पी। हैप्पी 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 रहना चाहिए ना? हाँ ना, हैप्पी रहना चाहिए। एक तो आवाज बहुत स्लो आ रही है किरण आपकी। अच्छा चले, हमें आपकी आ रही है, आप फरमाइए। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ी सी मुझे फरमाइश भी करनी थी किरण, सॉरी शाजिया से। जी कीजिए कीजिए, शाजिया से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शाजिया? ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से हर हफ्ते आप अच्छी रेसिपी बनाती हैं। थैंक यू। भी मैंने आपकी रेसिपी देखी थी और आपने फिश भी बनाई थी, तो दूसरे अगर हो सके तो फिश कटाकट बनाइएगा। जी जी बिल्कुल, फिश कटा। और दूसरी जो सूप है ना, जैसे मतलब जो विंटर के रिलेटेड हैं, तो वो बनाइएगा। हॉट एंड सार है जैसे, और चिकन कॉर्न सूप है जैसे। नेक्स्ट वीक से मैं सूप स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, और माशाल्लाह से हर हफ्ते इसकी आप रेसिपी बनाती, मैं ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं फरमाइश करती हूँ। क्या कौन सी रेसिपी ट्राई की आपने? मैंने ये आपके पिछले हफ्ते जो बनाई थी, तो वो भी मैंने बनाई, फिश वाली भी एक आपने बनाई थी। सॉरी, समझ नहीं आया कौन सी? फिश की रेसिपी बनाई थी ना आपने? फिश कुछ बनाया था। अच्छा अच्छा, जी जी। अभी पाए देख रही हैं जो बना रही हैं शाजिया? आपने ट्राई करने जरूर, और बताना है, फीडबैक देना है इसका। नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी। तो ये क्योंकि वेदर है ना पाए का, नेक्स्ट वीक आप बनाएंगी? नेक्स्ट वीक कह रही है ना, सूप सूप नेक्स्ट वीक बना रही हूँ मैंने। अच्छा, हाँ इंक्लूड की है रेसिपीज में सूप। हाँ, क्योंकि पहले भी रिक्वेस्ट आई थी सूप बनाने की। ठीक है, थैंक यू, मैं बनाऊंगी। ठीक है हुमा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खुश खुश रहिए। थैंक यू, थैंक केयर, बाय। हाँ शाजी, आर यू द लकीएस्ट, प्रिटीएस्ट, रिचेस्ट एंड हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। और हम दोनों को पता है कि ये सच नहीं है, झूठ है, लेकिन हम वो नहीं, ये सच है नहीं, मतलब लोगों को होता है ना कि अच्छा हाँ ठीक है, खुद को होता है कि अच्छा बाज़ दफ़ा नहीं, तो लेकिन हम वो क्यों कहें जो हम हैं? हम वो कहेंगे जो हम बनना हाँ। चाहते हैं, तो हम उसको ऐसे ही इमेजिन करेंगे। रिचेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ। हमारे पास बहुत ही पैसा है या हम ब्रांडेड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम रिच हैं। पैसा भी बहुत है, पैसा हो, मनी है, इज पावर बेबी, जितना जरूरत है उतना है जीने के लिए होना चाहिए। ब्रेक पे जाने हो गाने बोले जा रहे, हमारी गपशप चलती रहेगी। तो मैं ये ब्रेक से पहले ये बता दूं, योगर्ट हाँ। डलेगी और पाए डाल देती हूँ। नहीं, पाए सामने डालना। अच्छा, सामने हम आके तो फिर योगर्ट भी, योगर्ट भी सामने आके करेंगे। एक जल्दी से ब्रेक लीजिए, फिर आज आपको बताएंगे कि आप लोग कुछ विन कर सकते हैं हमारे शो के जरिए। क्या विन कर सकते हैं, कौन से वाउचर्स हैं? एक ब्रेक लेते हैं। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाया जितने
वेलकम बैक। खूब भुनाई हो रही है, पाए के मसाले की एक रिकैप भी कर दे देते हैं आपको। अच्छा, अभी आपने डालना क्या है? लास्ट हमने टमाटर का पेस्ट डाला था। दही डालेंगे हम इसमें। दही, ठीक है। एक कप दही, दही आ गई, और ये हरा धनिया का पेस्ट है, ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, टी स्पून सही है। नमक हसबे जायका। अच्छा, नमक नहीं डाला था, नमक नहीं डाला था, ठीक है। नमक ऐड हो गया। ये गरम मसाला डाला था मैंने। हाँ, मसाले सारे डाल दिए थे। आधा टी स्पून गरम मसाला, ठीक है, तो कम डाला था उसको। अच्छा, अब इसमें पाए ऐड करेंगे। सही है, जो के पहले से बॉईल हुए हैं, दो तीन घंटे पकाए। हाँ, अदरक लहसुन प्याज और हल्दी। सही है, और ये बकरे के पाए हैं, छः पाए हैं। ऑयल लिया, प्याज को स्लाइस किया, वह हल्के से सौते किया आपने, गोल्डन ब्राउन किया। साबित गरम मसाला जिसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी जी, ये डाला। भुनाई की, फिर आपने डाले सारे मसाले। मसाले डाले, अदरक लहसुन, अदरक लहसुन था, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और कोकोनट कोकोनट का पेस्ट हो या पेस्ट, टोमेटो पेस्ट, मतलब टोमेटो प्यूरी, ठीक है, पेस्ट तो नहीं था। और दही, दही डाली है, और ये हरी मिर्च का पेस्ट। ये हरी मिर्च नहीं, ये धनिया का पेस्ट। धनिया का पेस्ट था। हाँ, अच्छा, पेस्ट, ठीक है। तो है ना, मुख्तलिफ मुख्तलिफ है। हाँ, थोड़ा सा हट के बनाए। अब लोग अपनी रेसिपीज, तो ये जो कॉमन रेसिपी जो सिंपल सी हो तो सभी बनाती होंगे ना, है ना, तो डिफरेंट बनाना। शाजियाने का मैंने डिफरेंट बनाना चाहिए। पाए हैं तो फिर पाए का फ्लेवर आना चाहिए। आज तो मैंने पाए का आएगा आपकी रेसिपी को वो कर दिया। क्या कह रही थी आप ब्रेक में? अंडर एस्टिमेट कर दिया मैंने। कहा नहीं, मेरे लिए सारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स ना बहुत मुख्तलिफ हैं जो आप देखें। हाँ, कॉमन चीज़ें तो सभी बना लेते हैं ना। हाँ, लोगों को आते हैं। सही है, अब डिफरेंट बनाए ना। कुछ घर वाले भी तो बोलते हैं, घर में होते हैं, मर्द होते हैं, वो कहते हैं कि हमेशा एक ही जैसे खाने बन रहे होते हैं, कुछ डिफरेंट करो। अच्छा, लेकिन तो हमने डिफरेंट करके बताया। लेकिन पाए और इस तरह की चीज़ें, जो एक अच्छी रेसिपी है वही हमेशा बननी चाहिए। नहीं नहीं, चलो मुख्तलिफ करना चाहिए। आज हम खोपड़े वाले पाए भी खाएंगे। लाइफ में अगर ट्विस्ट ना हो, मुख्तलिफ ना हो कुछ ज़िंदगी में, तो मज़ा क्या है ज़िंदगी का। एक तो लाइफ खुद ही ट्विस्ट देती रहती है। एक आप अपनी मर्जी से लेकर, एक मर्जी से लेकर आएँ और कुछ मुख्तलिफ करें। सही है, ताकि ज़िंदगी का मज़ा भी रहे। अच्छा जी, मुख्तलिफ करने के लिए थोड़ी बहुत जो हमारी एक एंटरटेनमेंट है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो अल फतेह एक ऐसा स्टोर है जो पाकिस्तान को सर्व कर रहा है सिंस 1941, और एक ऐसा स्टोर जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, चाहे आपके किचन के आइटम्स हों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों, बहुत सारी वैरायटी, फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स, हर चीज़ दस्तियाब। और बाहर की अगर कोई चीज़ आप लोग चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। इनफैक्ट वहाँ तो ये भी है कि अगर आपको कोई चीज़ मंगवानी भी है ना बाहर, तो वो आप उनसे बात करें तो वो आपको मंगवा कर भी दे देंगे। एंड प्लस आप कह रही हैं कि इस्लामाबाद में भी है? इस्लामाबाद में मैं गई हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद में भी है एंड लाहौर में भी है। लाहौर में तो बहुत बड़ा इसका स्टोर है और बहुत पुराना है। मुझे याद है कि जब भी लाहौर जाना होता था, ये था कि अल फतेह को तो ज़रूर छूना है, जाना है, चक्कर लगाना है हमने वहाँ पर, और कुछ ना कुछ लेना है। और अगर आपने बहुत सारा सामान खरीद लिया और आपने कराची आना है, तो वो लोग आपको डिलीवर भी कर देते हैं। तो आप लोग भी जाइए, काफ़ी, हाँ, इनकी ब्रांचेज हैं। हाँ, काफ़ी है ना, और अच्छा स्टोर है, अच्छी वैरायटी आपको मिलती है वहाँ पर। अच्छा, अब क्या बना रहे हैं? अब हम जो है ना पेस्टो पास्ता पे आ जाते हैं। पेस्टो पास्ता हमने हल्की आंच पे रख देना है, ठीक है। अच्छा, मेकअप सिटी के वाउचर्स हैं जी आपको देने के लिए, आज आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं मेकअप सिटी के वाउचर्स, और बहुत ही अच्छे और यूज़फुल वाउचर्स हैं, क्योंकि मेकअप सिटी एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पर आपको अंडर वन रूफ बहुत सारी चीज़ें ब्यूटी रिलेटेड, आपके टोंग्स एंड हेयर ड्रायर्स, ब्रशेस, ये सारी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आपके बहुत अच्छे शेड्स की वैरायटी है, चाहे वो लिपस्टिक्स हों, ब्लशेस हों या आई शेड्स हों, फिर शैम्पूज़ वगैरह हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं, अपने हेयर प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर, क्रीम्स, लोशंस की वैरायटी, स्किन केयर की वैरायटी, इसके अलावा परफ्यूम्स हैं वहाँ पर, तो बहुत अच्छा है वाउचर, आप लोग ज़रा अवेल करें मेकअप सिटी। अच्छा, का ये पेस्टो पास्ता मैं बना रही हूँ, ठीक है, आप चाहें तो पास्ता कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, इस कैमरे में
तो मैंने ये नूडल्स लिए, ग्रीन ग्रीन सा बनता है, अच्छा बनता है, ठीक है। हाँ, ये आधा किलो चिकन है बोनलेस, आप वो ले लें, सही है। ये ऑलिव ऑयल में इसको सौते करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट भी कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स बता दूँ ना? नहीं, ना भी बताएं ना, क्यों बताती हैं? अच्छा, इसको आदत हो गई है अलग से शो करने की, ठीक है, अब मैं समझी। अब पाइनट्स का पेस्ट जाएगा इसमें और हरा धनिया का भी हम पेस्ट करेंगे इसमें मिक्स करके, और ये पालक है ये भी हम पीसेंगे, या बाकी चीजें। हाँ, बड़ी इजी मां से आदत पड़ी, अभी मैं बात करती हूँ। कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या हाल चाल है आपके, कैसी हैं? अच्छे से बताइए कैसी हैं। माशाल्लाह जबरदस्त, बिल्कुल। और आपका शो देख रही हूँ सुबह सुबह, वीकेंड एंजॉय कर रही हूँ। वीकेंड एंजॉय कर रही हैं, वेरी गुड। आपसे कोई पूछता है आप कैसी हैं, तो आप क्या जवाब देती हैं? घर पे, फोन पे, क्या बोलती हैं आप? बहुत मजे में हूँ। ऐसा कब पक्का ऐसा बोलती हैं? जी, मैं बाकी ऐसे बोलती हूँ। अच्छा, मैंने कहा माशाल्लाह इतने सारी ब्लेसिंग है कि मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ हर रोज सुबह। हाँ, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, तो वाकई मजे में हूँ। वाकई मजे में। हाँ, नहीं, हम लोग मजे में होते भी हैं, तब भी हम लोग क्रेडिट नहीं देते अपने उस मजे को। सारे लोग कहते हैं कि आप ऐसे क्यों कहती हो, सब अच्छा। लोग कहते हैं कि आपको नजर लग जाए कि आप क्यों बोलती हो कि आप इतने मजे में हो। अच्छा, तो फिर आपने रोक दिया कहना? बस मैं इस बात का जवाब नहीं देती क्योंकि फिर आप एक आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है कि यूं वाला, और हर कोई समझने के लिए रेडी नहीं होता। नहीं तो मेरी जान, इसका जवाब यही है, आप भी ऐसा बोलना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, आप भी यही बोलो, यही फॉलो करूंगी। आप भी ऐसा बोलिए, आप भी ऐसी हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा जवाब आपने मुझे बताया। पाए भी मुझे बहुत टेस्टी लग रहे हैं, एनर्जेटिक से शेफ आई है। और एक दफा मुझे ना रेसिपी दी थी कि मैं बनाऊंगी। हाँ, वो तो मुझे किसी ने मना कर दिया था, लेकिन बना लूंगी, लेकिन मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी क्योंकि व्यूवर्स तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, उन्हीं के जरिए से तो हमारा शो चलता है। बस नेक्स्ट इसमें खाउसे भी होना चाहिए, नेक्स्ट से नेक्स्ट में कर ले। हाँ, नेक्स्ट से नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह, मैं वेट करूंगी। ठीक है, सही है। अच्छा, ये मैंने, अच्छा और कुछ कहना है? हम जाएं? ओके, अपना बहुत सारा ख्याल, और अब डिसकंटिन्यू नहीं करना ये कहनी अच्छी अच्छी बातें। अच्छा, मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया था, फिर उसमें मैंने ये गार्लिक डाला है, जरा सा सौते किया। अब इसमें मैं चिकन में पानी ना हो ना, तो इसलिए ठीक है, बोनलेस चिकन जी। और ये ग्रीन कलर का पास्ता नूडल्स टाइप बनेंगे। चाहे तो आप वैसे ये भी कर सकते हैं, अगर चिकन नहीं डालना चाहें, जो कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं ना, तो वो चिकन ना डालना चाहें तो ना डालें। अच्छा, ठीक है, चिकन ना डालें, बाकी रेसिपी फॉलो करें एज इट इज़। अच्छा, सही है। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये हमारी कॉलर फर्स्ट टाइम शो देख रही थी, है ना शाजिया? हाँ, आपको आपको समझी कि वो आप गेस्ट हैं। गेस्ट लोग बोल देते हैं मुझे, क्योंकि वो गेस्ट हमेशा से आते हैं ना, इतने सालों से। तो हाँ, नहीं, आप सैटरडे संडे, आपको तो अब कितने, मुझे एक साल हो गया। कैसे, पता है, कैसा वक्त, 2 जनवरी को मेरा फर्स्ट शो था आपके साथ, लाइवली वीकेंड का। हाँ, जनवरी में पूरा साल हो जाएगा, मेरी बर्थडे भी है 1 जनवरी को। बस सेलिब्रेशन होनी चाहिए। फर्स्ट को दिन कौन सा देख लिया होगा आपने? सैटरडे। केक लेकर आना, हम कटवा देंगे। ऑफिस वाले वैसे यूजुअली ना सबकी जिसकी बर्थडे होती है ना, सब कंट्रीब्यूशन करके मनाते हैं इस तरीके से। नहीं नहीं, तो मैंने कहा हमारे यहाँ कुछ मेरी बर्थडे में अच्छा केक होना चाहिए। खाना भी आप खिलाएंगी और केक भी आप लाएंगी। टोटल मेरा लॉस। हाँ, और वो गुडी बैग्स होते हैं ना, वो भी देंगी आप बच्चों की तरह। चॉकलेट ब्रेक का वक्त आ रहा है, पाए यहाँ पर पक रहे हैं, अब इसको हम भूल जाएंगे, ये पकते रहेंगे। यहाँ पर आपने ऑलिव ऑयल में लहसुन लिया और चिकन सौते की, कुछ मज़ीद डालना है? बाकी हम ये अभी पीसेंगे। हाँ, ये पेस्ट बता दो। हाँ, और नूडल्स मैंने क्या क्या है? ये है पाइन नट्स का पेस्ट, चिलगोजो का पेस्ट। ठीक है, ठीक है, 1 टेबल स्पून। ये भी इसमें मैं से बना कूट लिया था मैंने। हाँ, लेकिन हम इसमें ऐड कर देते हैं चिलगोजो, और 4-4 टेबल स्पून जाएगा सब। ठीक है, हरा धनिया, लेकिन मैं इकट्ठा कर रही हूँ। हाँ, हरा धनिया डाल दें। हाँ, और पालक। अच्छा, हरा धनिया, पालक और चिलगोजे, बस जी, जी, पानी के साथ? पानी के साथ। ठीक है जी, ये पेस्ट बनाते हैं, आप लोग देख लीजिए। थैंक यू, ग्रेट। खाने का मजा बढ़ता।
जी मसाला टीवी फूड मैगजीन का नया एडिशन आ चुका है, आप लोग भी लेकर आइए। मज़े की तो रेसिपीज़ हैं, प्लस हमारी जो अभी एनिवर्सरी गुजरी थी उसकी भी बहुत अच्छी अच्छी सी तस्वीरें हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, कलेक्शन के तौर पर रख भी सकते हैं, तस्वीरें जमा भी कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा अच्छा सा और अफोर्डेबल मैगज़ीन है, अच्छा सा आपका टाइम पास हो सकता है। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और हर शो की रेसिपीज़ होती हैं, और अच्छा ग्लॉसी सा मैगज़ीन है। इट्स अ गुड मैगज़ीन मसाला टीवी का। आप ऐसे पढ़ती हैं शाजिया मसाला मैगज़ीन, है ना? और मेरी भाभी तो हर महीने रेगुलरली, उन्होंने इतने सालों से जब से मसाला स्टार्ट हुआ अच्छा ना, जमा कर इतने मैगजीन जमा, वो एक महीने नहीं आता, वो कहती है मेरा मैगजीन मंगवाओ जल्दी मसाला, वो आदत एक पड़ी है। उन्होंने लगवाया है। अच्छी बात है, मैं भी मम्मी को देती हूँ, फिर मम्मी पढ़ती हूँ। अच्छा जी, क्या ये काली मिर्च ऐड कर दी, चिकन को सौते कर दिया था, ये काली मिर्च नमक ऑलिव ऑयल लिया था, गार्लिक डाला था, चिकन पीसेस डाले, चिकन पीसेस डाले, काली मिर्च डाली, नमक डाला। अब मैं इसमें ये पिसा हुआ पालक, हरा धनिया और चिलगोजे ये ऐड कर रही हूँ। ठीक है, पानी डालकर पेस्ट बना दिया। थोड़ा सा ज़्यादा कुक नहीं करना, इसको कलर ना ख़राब हो जाए। अच्छा, ये वाली जो पेस्टो सॉस ही बनी बनाई भी मिलती है, ग्रीन है? हाँ मिलती है, बट मज़े की नहीं होती। मज़े की नहीं होती? नहीं, वैसे आप खुद बनाइए तो ज़्यादा मज़े की नहीं। जैसे थाई पेस्ट भी बना बनाया मिलता है तो मज़े का नहीं होता, घर का जो होता है वो अलग होता है। उसमें फिर वो प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं ना, तो उससे टेस्ट स्मेल आती है। हाँ, ऐसे कुछ जिसकी वजह स्ट्रॉन्ग केमिकल टाइप की। अच्छा, कलर कितना प्यारा आया। हाँ, ग्रीन। अभी जब हम ये बॉईल करके हमने रखे हैं नूडल्स, आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब पास्ता वगैरह, पैनी पास्ता, हाँ कोई भी एल्बो पास्ता, सही है, कुछ भी ले लो। ठीक है, मर्जी है। अच्छा, सिंपल से है, गार्लिक और पालक और हेल्दी। हेल्दी है क्योंकि जो ये पेस्ट डाला है ना हमने, और बच्चे नहीं खाते ना पालक वगैरह, तो पास्ता खाते हैं, तो इस तरीके से उनके पेट में जाएगा हेल्दी चीज़। थोड़ा सा ट्राई करती हूँ चिलगोजे का टेस्ट, फ्लेवर आ रहा है कि नहीं। फ्लेवर आ रहा है। सॉल्ट भी बताइएगा, मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी, फीका होगा। हाँ, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें, और चिलगोजे का फ्लेवर आ रहा है, पालक का ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और गार्लिक के साथ। और क्रीम डालोगी? नहीं, क्रीम नहीं डाल। अच्छा, और अपने थोड़ा सा क्रीम फिर अनहेल्दी में चला जाता है ना, थोड़ी सी फ्लेवर क्रीम आपको हाँ डालना है, आप लोग डाल सकते हैं क्रीम चीज़। अच्छा, डाल और अच्छा फ्लेवर, चीज़ डाल लें, स्पिनच क्रीम चीज़ डाल लें। ठीक है, मोजरेला चीज़ चैटर करके। अच्छा है, सिंपल सी हेल्दी रेसिपी है, ये भी डन हो गई। भाई की शक्ल देखें ज़रा। हाँ, अभी तो थोड़ा और देर पकेगा, और थोड़ा एंड तक पकाती रहे आप, पेस्ट कर लें अभी, फाइनल फाइनल जब आएगा टच, जब टेस्ट कीजिएगा। पाए का सालन, पाए का सालन नहीं अभी तक, जो भी कह लें आपकी मर्जी। हाँ, आप टेस्ट और थोड़ा थिक रखेंगे आप, है ना, बहुत पानी भी जैसा पतला नहीं। सही है, नहीं नहीं शक्ल से तो खैर अभी अच्छा लग रहा है, कुछ ना कुछ करके ना जायका भी अच्छा होता है। शक्ल भी अच्छी होती है मेरे खानों की अल्हम्दुलिल्लाह, और जायका भी अच्छा होता है। बड़ा बोल नहीं बोल रही, लोग तारीफ करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लोग तारीफ करते हैं तो बोल रही हूँ, वरना हमारी क्या औकात है, हम तो अदना सा इंसान है। हाय हाय हाय, डायलॉग तिफले मकदम है, तिफले मकदम, हमारी क्या औकात, हमारी क्या औकात है, हम तो एक छोटा सा इंसान है, क्या बोलते हैं कभी। हाँ, क्या भी नहीं। अब इसमें जो है ना, मैं पास्ता ऐड कर रही हूँ, मिक्स है, और ये रेडी है फिर। हाँ, बस हमने ये चॉप करके ही ऐड करना है एंड में, क्योंकि इसको तो कुक नहीं करना ना। अच्छा, टोमेटोज जाएंगे और कुकम्बर जाएगा। अच्छा, ये चॉप करके जाएंगे, ये चॉप करके जाएंगे। ठीक है, सही है जी, ये भी रेडी हो गया। नेक्स्ट कौन सी रेसिपी बनाएंगे? नेक्स्ट हम बना रहे हैं पोटैटो की बॉल्स, पोटैटो बॉल्स, ओके, और ये भी डीप फ्राई होंगी जी। ठीक है, अच्छा आज हम सिबलू का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है हमारे पास? हाँ, ये इसी में तो मशरूम्स पोटैटो बॉल्स है ना, यही। अच्छा, इसको यही यूज़ करेंगे। वेरी गुड जी, सिबलू के हम श्रिम्स हैं, और हमारे पास फ्रेश स्ट्रीट की डायनामाइट माइल्ड सॉस भी है भाई इनकी। ये फ्रेश स्ट्रीट की, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सिबलू हो, फ्रेश स्ट्रीट हो, इनकी सॉसेज हो, ये सारे हाउस ऑफ समरा की हैं, और हाउस ऑफ समरा एक ऐसा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, जिस अवेलेबल यहाँ पर भी है हमारे स्टोर्स पे,
बहुत अच्छी रेंज है इनकी मेयोनीज की, सॉसेस की, टूना सैलड, टूना सैंडविचेस हमने बनाए अपने शो पे, प्लस मस्टर्ड वगैरह, सिरका, चॉकलेट सॉस और ये फ्राइड आइटम्स, फ्रोजन आइटम्स भी इनके हैं जो आप लेकर आ सकते हैं। वाकई में सॉसेस बहुत मज़े की है। याद है हमने कितनी दो तीन ट्राई की थी ना, बहुत एक बीट रूट की भी ट्राई की थी, और ये है डायनामाइट माइल्ड सॉस। प्रॉन्स के साथ जैसे हम सर्व करते हैं, तो ये देखें इमी के आप बटरफ्लाई श्रिम्स एंड हॉट एंड स्पाइसी लेकर आइए। ये देखिए आप कलर कितना अच्छा लग रहा है ग्रीन, जो मुझे ग्रीन ग्रीन कलर बहुत खाने के मामला होता है ना, तो मुझे ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मेरे लिए सबसे खाने के मामले में टेम्पटिंग चीज़ होती है ना ग्रीन कलर, मुझे अट्रैक्ट करता है खाने में। अच्छा हाँ, वैसे ही ग्रीन का मतलब है फ्रेश, फ्रेश नेचर है ना, कुछ ऐसा नेचर से ग्रीन प्लांट्स। लेकिन इसमें हाँ, इसमें ये टोमेटोज जाएंगे, थोड़ा सा रेड एक कलर आ जाएगा, कलरफुल। मेरी इतनी चाह थी, अभी तक वो नहीं पूरी हुई है मेरे सेट के हवाले से। मैंने हर बार जब भी नया सेट बना, हमेशा मैंने तस्वीरें शेयर की कि ऐसा बैकड्रॉप दे दें, पीछे ग्रीनरी हो, वो फ्रेंच खुली हुई विंडोज़ हों। और नहीं वो जैसे पैनफ, जैसे ये लगा हुआ है ना, अब वो ऐसा लगे कि हम आउटडोर खड़े हुए हैं ना, कि बाहर आसमान भी नज़र आ रहा है, ग्रीनरी बाग नज़र आ रहा है, और यहाँ पे कुछ रियल प्लांट्स रखे हुए हों और चिड़ियों की आवाज़ें हों। खैर मैंने कहा सिर्फ बैकड्रॉप दे दें, मुझे इतना मुझे शौक है, बन के ही नहीं दिया। चले क्या पता इन फ्यूचर हो जाए, कोई बात नहीं। सेट नहीं तो अपने घर में ऐसा कर, घर में कर रहे हैं, सही है ये, सही है, सही जी, ये रेडी हो गया। अच्छा, मेकअप सिटी के वाउचर्स हैं, उसके लिए आप लोग हमारे शो का हिस्सा बन जाइए। एसएमएस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेकअप सिटी एक ऐसा स्टोर है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड और ये ब्यूटी रिलेटेड गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, रोलर्स वगैरह, शैम्पूज, स्किन केयर क्रीम्स, मेकअप, बहुत सारी चीज़ें, परफ्यूम्स। और मेकअप सिटी सिर्फ एक दो शहर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में इसके कई कई आउटलेट्स हैं। मॉल्स में मेकअप सिटी है, अलग स्टोर्स में मेकअप सिटी है, तो वो कहीं भी आप हैं पाकिस्तान के किसी भी सिटी में, आप आसानी से इन वाउचर्स को अवेल कर सकते हैं। तो आप लोग हमें कॉल कीजिए, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी अगली रेसिपी पोटैटो श्रिम्प पोटैटो पोटैटो बनाना सिखाते हैं। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, ला बीबी गैस प्यार बढ़ाए, ला बीबी गैस। यस, वेलकम बैक। और पास्ता तैयार हो गया है, हरा भरा पास्ता जिसमें एंड में आपने खीरा और टमाटर को चॉप करके मोटे क्यूब्स करके वो डाल दिए, कलर बहुत प्यारा सा आया है, वेरी टेम्पटिंग। आ जाएं जी, पाए पक रहे हैं, पकते रहने दो और पकते रहने दे इसको थोड़े से, और पानी डालने थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं अभी हमारे ताकि कलर भी आ जाएगा। एंड होने में 25 मिनट है, 25 मिनट है। हाँ, कलर भी थोड़ा अच्छा आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। कलर ना आ रहा हो ना, थोड़ा सा पानी ऐड कर दो ना, तो ऑयल ऊपर आ जाता है, सही है, फिर वो आपकी डिश में अच्छा कलर आ जाता है, सही है। पाए हैं पाए पाए लाहौरी लाहौरी पाए लाहौरी पाए, ठीक है जी। आजे जी, अब सिप्लू के बटरफ्लाई श्रिम्स हॉट एंड स्पाइसी से हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो बॉल्स, और इसमें क्या क्या डालेंगे, और ये स्नैक आइटम है जी मज़े का। हाँ, ये आप बना सकते हैं घर में बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बॉल टाइप चीज़ें पसंद करते हैं, या कुछ भी डीप फ्राई टाइप चीज़ों में ये श्रिम्स हैं, ठीक है। इसको हम जो है चॉप करेंगे, हाँ, और आलू में मिक्स करेंगे, आलू क्योंकि ऑलरेडी मैश्ड है, ठीक है, तो बॉइल कर लें आप, मैश्ड कर लें उसको, सही है, ये मेरा फिर आप ईजी है, ईजी है, ईजी है, ये जद्दोजहद नहीं है। और एज इट इज़ आप निकाल कर इसको डीप फ्राई करें, वैसे ही खा लें, नहीं तो आप थोड़ा सा आलूओं में फ्लेवर ऐड करने के लिए ये यूज़ कर लें। हाँ, फ्राई करके भी खा सकते हैं आप, अगर आपको डिफरेंट कोई रेसिपी बनानी है तो आप, ठीक है, देखते रहें लाइवली वीकेंड शाजिया सिखाते रहें, हाँ, उसमें आप सीखते रहें डिफरेंट रेसिपी किस तरह से क्या करना है। इसमें हम सारे नहीं लेंगे, आधे ले लेंगे, अच्छा काफ़ी, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लिए तो ले लो सारे, उतने क्या, अच्छा चलो कोई बात, हटा दिए
फ्राई करके खाएं वैसे ही बहुत अच्छा है क्योंकि इस पे सारा कुछ क्रम्स वगैरह सब लगा हुआ है। जरूरत ही नहीं है कि अंडे में डिप करना, क्रम्स लगाना, ये है कि तेल के साथ फ्राई करना है आपको, तो काटना भी नहीं है। और आपको सॉस भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रेश स्ट्रीट की है आपके पास। ये सॉस हम यूज़ करेंगे ना इसमें, माइल्ड। हाँ जी, आज हमने सच तो कोई बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें नहीं की हैं, लेकिन इतनी सारी जो की है, हम ज़रा जानना चाह रहे थे कि आपने कितना कुछ उनको अपनाया और इम्प्लीमेंट किया और लाइफ में कुछ चेंज आया या नहीं आया, या बस उसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सारे ले चेंज इज ऑलवेज बेटर। हाँ भैया, क्या भी डिप्रेशन और मायूस होते हैं या अपनी थॉट को चेंज करते हैं? क्या अब भी बुरे ख़राब मूड के साथ सुबह होती है या अब अच्छे से आगाज़ करते हैं? अच्छे से आगाज़ करें तो सारा दिन अच्छा गुजरता है, सारा दिन। सुबह अगर सुबह ही सुबह कोई फजूल मतलब दिमाग में थॉट आ जाए तो फिर दिन भी अच्छा नहीं गुजरेगा। इवन कि ये ओह आज देर हो गई, ओह आज इतने सारे काम करने, इस थॉट के साथ तो ये करना है, आज तो वो करना है। हाँ, पूरा प्रॉपर। इनफैक्ट रात में सोने से पहले अच्छा अच्छा सोच कर सोइए, कुछ लगा दीजिए, फ़ोन पे लगा दीजिए कुछ ऐसा जो आपके कानों में जाता रहे, हल्की सी नींद आ जाए तो बस। अच्छा 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 सुनना है, अच्छा अच्छा देखना है, अच्छा अच्छा पढ़ना है। अच्छा मैश हो गया थोड़ा सा, उसको रहने भी मोटा मोटा थोड़ा सा, फौरन ही हो गया ना, वो सॉफ्ट से होता है ना। ये तो वैसे ही हम मेरे ख्याल से मैश करते तो हो जाता है। हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा चाहिए था ना इसमें मिक्स करने के लिए। अच्छा, अच्छा करना क्या क्या है इसमें, ज़रा डाल दें। अच्छा, ऐसा हो कि फिर ब्रेक आ जाए, ब्रेक आ जाए, बैठ जाए। अच्छा क्या करें, ये आलू है, चीज़ें डाल लें। ठीक है, चार तो इसी में हम डाल देंगे। ये तो पहले चीज़ें डाल लो, ये हटा देते हैं। ठीक है, ये गार्लिक पाउडर है, ये रेड पेपर, ये रेड पेपर है और ये नमक है, बस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, ब्लैक पेपर। हाँ ठीक है, ये मैं निकाल लेती हूँ स्पून से। ये दूँ स्पैचुला? दूँ स्पैचुला दे दें, स्पून से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में मिक्स कर लेंगे सही सारे इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, और इसकी बॉल्स बना लेंगे। अच्छा है ना, सारे में मिक्स सही से होगा पेस्ट, अगर मोटा मोटा करते हैं ना वो सही नहीं होता। इंग्रेडिएंट सारी ऐड कर लें और ये अंडर क्रम्ब लगेगा। हाँ वो क्रम्ब्स लगेगा, एग में डिप हो गए बॉल्स। हाँ, बॉल्स बना के मैं इसकी रखूँगी। ठीक है, शैलो फ्राई, शैलो फ्राई कर लें या डीप फ्राई कर लें आपकी मर्ज़ी है, हेल्दी करना है तो शैलो फ्राई कर लें। बड़ा फ्राइंग पैन या ये लूँगी ना तो ज़्यादा। हाँ इसमें कर, क्वान्टिटी बन जाएगी। ऑयल रख दूँ? हाँ, या फैला हुआ लेती हूँ, क्या कहती हूँ? छोटा पैन लेना, ये वाला, ये वाला सही, बहुत छोटा है। हाँ, नहीं नहीं सही है, इतनी इसमें आ जाएंगी बॉल्स छोटी। अच्छा, इनका ज़्यादा बन जाएंगे ना, ज़्यादा बन जाएंगी इसमें भी। ये गार्लिक पाउडर है, इसमें जाएगा। हाँ ये बता, रेड पेपर जाएगा और सॉल्ट जाएगा, हसबे जाएगा। अच्छा, बस ये हमने सब। और इसमें ब्लैक पेपर नहीं जा रहा आपका? ब्लैक पेपर मर्जी आपकी। अच्छा, डाल लें, ये रख दिया था यहाँ पे लेकिन मैंने रेसिपी में शामिल नहीं किया। सही है, अच्छे से मिक्स कीजिए और अंडे में डिप कीजिए, क्रम्स लगाइए एंड फ्राई। अच्छा, आप ग्लव्स पहन के फिर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, हाथ से कर, ग्लव्स पहन के कर जाते हैं हाथ से। ये किसका ब्रेड है? लगाई, ये मेरा। नाश्ता कर लिया अकेले अकेले? करके आई थी रस्ते में, किया था, ये ब्रेड था एक। अच्छा, मल्टीग्रेन ब्रेड है मेरा। अच्छा, तो मैं यही खाती हूँ तो ये लेके आई थी, मैं चाय के साथ खाऊंगी लेकिन वो टाइम नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला, ऐसा ही होता है जी, टाइम ऐसे ही निकल रहा है। एक और ब्रेक आ गई है, जब तक ये मिक्सिंग हो रही है हम अच्छे से पोटैटो बॉल्स बनाकर इनको फ्राई करते हैं, शैलो फ्राई करेंगे। आप लोग ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। अजय जी, मैं ज़रा यहाँ पर डायनामाइट माइल्ड सॉस फ्रेश स्ट्रीट की, ऐसे ऐसे
सही है ना, काफी है। हाँ का बाकी हम सर्व कर देंगे, बॉल्स के साथ सर्व करेंगे और खाएंगे। अच्छा जी, ये देख लीजिए मिक्सचर तैयार है, मैश पोटैटोज और प्रॉन्स को भी हमने मिक्स कर लिया, सिब्लू के जो थे फ्रोजन उनको मैश कर लिया, मिक्स कर लिया, जिसमें नमक, काली मिर्च अगर चाहें तो डाल दें वरना लाल मिर्च है, और क्या एक चीज़ थी, लाल मिर्ची, गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर वो थे, और अंडा क्रम लगा के ऑयल में। हाँ पाए, सबको पाए का इंतज़ार होगा। हाँ देखें इसका यखनी निकल रही है ना, खुशबू तो आई है पाए की, आ गई ना। हाँ, आपको टेस्ट भी आएगा, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही थी। हाँ, क्यों झूठ बोलूँ, वैसे ही प्या पाए की एक स्मेल आई है, वो प्याज की जो खाती है ना उसकी। अच्छा एक हमारी अभी ड्रिंक रहती है, ड्रिंक रहती है बस, वो हॉट चॉकलेट उसकी हर्बी। सही है, ये आप कोट करके इसमें डालें और फिर हल्की आँच पे करेंगे ताकि ज़्यादा गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। ठीक है, हल्का सा लाइट सा कलर गोल्डन गोल्डन सा जाए, क्योंकि ऑलरेडी कुक्ड है ना। सही है, अंदर सारी चीज़ें और श्रिम्प्स को तो ज़्यादा कुक करते भी नहीं है। हाँ वो तो ऑलरेडी वो उनके हाफ कुक्ड हैं, सिर्फ कलर देना है और आपने इन्जॉय करना। ये भी वैसे कुक्ड ही है, हल्की आंच पे हम ना भी करें इसको तो क्या है। नहीं नहीं कलर लाना है इसमें तो, और गरम गरम ये अच्छे लगेंगे खा। हाँ नहीं हल्की आंच क्यों कह रही हैं, ये कह रही हैं हल्की आंच इसलिए कि बहुत जल्दी डार्क ब्राउन हो जाते हैं और हाँ, कलर अच्छा नहीं लगता है इसलिए अच्छा। हल्की आंच पे ठीक है, लग रहा है कोई मिठाई है। मिठाई लग रही है। हाँ क्योंकि वो कलर्स भी बिल्कुल पाउडर वाले हैं ना, कलर ऑरेंज। हाँ आप इसको कटलेट की शेप दे दीजिए। हाँ कोई भी शेप दे दीजिए, कटलेट की शेप दे सकते हैं इसको। सही है, चलो जी फाइनली हो गई। वैसे अब ऐसा है एक रेसिपी रह गई बस, पाए ट्राई करते हैं, ट्राई कर लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लूँ मैं तो खुद। खोपरा। अच्छा आप पहले इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोच रही हैं क्या क्या। हाँ खोपरा, हरा धनिया का पेस्ट, फ्लेवर अच्छी सी टमाटर। आप सच्ची सच्ची बताती हूँ पाए हैं या नहीं है। थोड़ा नमक कम है, थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। पाए की खुशबू है, फ्लेवर थोड़ा कम है पाए का, पाए डले हैं इसमें। हाँ पाए का फ्लेवर कम है और भुना मसाला आ रहा है एंड में, पाए वाला फ्लेवर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सालन कहेंगे इसको, नहीं पाए का फ्लेवर आ रहा है, आ रहा है। अच्छी चीज़ बनी है, चलो शुक्र है, थैंक यू। चीज़ अच्छी बनी है। हाँ आप चिप चिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जो मैं आप हाथ से खा के देखें तो फिर बता, मम्मी मेरे होंठ बता दें। दोबारा टेस्ट कीजिएगा ना जब प्रोग्राम, मैं फिर से करूँगी, बल्कि ये जो डबल रोटी रखी है ना मैं इससे ब्रेड से कर लें जी, खा के प्रॉपर और बताऊँगी। थोड़ा नमक डाल देते हैं इसमें, नमक डाल दें। हाँ मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा, वैसे खुद भी ट्राई करो। हाँ अभी मैंने ट्राई नहीं किया। हाँ मुझे डालती हूँ फिर, मैं नमक टेस्ट करती हूँ एंड में ना। हाँ। ज़रूर कोई भी चीज़ पकाऊँ ना तो एंड में उसका शोरबा पक रहा है। नहीं लग रहा है कि चिप चिप भी करेंगे क्योंकि उसकी चिकनाई जो है वो अच्छा। अब दूध वो रख लिया है वो कर लें, वरना फिर से ब्रेक आ जाएगी और फिर हमारी रेसिपी रह जाएगी। लास्ट ब्रेक है। हाँ नहीं आई मीन लाइक वो रिकैप ब्रेक आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ दूध को बस रहेंगे ना हल्की आंच पे। नहीं ये बर्न, ये मैं देख लेती हूँ। ठीक है। हाँ जो जो हल्की आंच पे रखना है उसको भी रख देते, ये वाला रह गया, कर लें ये भी फ्री कर लें ताकि ये हो जाए ना। अच्छा ये चॉकलेट क्या बन रहा है, हम क्या बना रहे हैं? चॉकलेट, हॉट चॉकलेट बना रहे हैं, बड़ा इजी है। अच्छा दो मिनट में, दो मिनट में बन जाएगा। ठीक है, दूध गरम करना है, उसमें आपको कोको पाउडर ऐड करना है, चीनी मिक्स करनी है। ठीक है, और हर्बियन का हम एक। अच्छा सिंपल हॉट चॉकलेट है, आप चाहें तो उसको रिच करने के लिए क्रीम ऐड कर लें, ऊपर से हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। सही है, मोका फ्लेवर करना है, थोड़ी कॉफी ऐड कर लें। लेकिन इस्तेमाल हम आपको बता रहे हैं कि हर्बी ऑन हर्स का हर्बी फाइबर लेक्स जो है, और ये हम फ्लेवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें चॉकलेट में जी। पंच
फ्रूट पंच है क्या है? फ्रूट वाला, फ्रूट पंच है जी ये हर्बियन के। ये जो आपको फाइबर लेक्स मिलेंगे आपको मुख्तलिफ फ्लेवर्स में मिलेंगे, आप किसी भी हॉट ड्रिंक में बना लें, किसी शेक में बना लें, डिज़र्ट में बना लें, सैलड में डाल लीजिए, एक हेल्दी हस्क का इस्तेमाल कीजिए अपनी डाइट में। और जैसे छोड़ा ना डार्क हो गया कलर, हाँ बिल्कुल सही कहा। और इसके अलावा इसमें कई फ्लेवर्स हैं, आप ये लेकर आइए घर पे रखिए और इस्तेमाल कीजिए। लेमन फ्लेवर है, फ्रूट पंच है इनका नेचुरल है, और ऑरेंज फ्लेवर है। इसके अलावा हर्बियन के ये नेचुरल्स भी हैं जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, स्किन से रिलेटेड हैं। आगे सर्दियां आ रही हैं, आप इनके लोशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, सेपरेट फुट क्रीम दी हुई है, फुट क्रीम ले सकते हैं, इनकी फेस वॉश है, रोज़ वाला फेस वॉश है, नीम मड मास्क है इनका, नीम वैसे ही बोलते हैं कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, नीम फेस वॉश भी है आपकी स्किन टाइप के लिए, अगर ड्राई है ऑयली है उसके लिए आप इस्तेमाल कीजिए। एंड प्लस ये बहुत यूज़फुल है, हर्बियन का सनब्लॉक है SPF 50 वाला, ये तो आप ज़रूर लगाया करें जब भी घर से बाहर निकलें, और इनका ये आप बच्चों को भी लगाइए, ख़ुद भी यूज़ कीजिए, अपनी स्किन को नर्म मुलायम रखिए इस सर्दियों में हर्बियन के नेचुरल्स इस्तेमाल करके। प्लस शैम्पूज़ की भी इनकी रेंज है, इन्हें इस्तेमाल करें एंड ब्यूटिफाई योरसेल्फ। अच्छा जी ये हो गया, रिका ब्रेक लेना है बेशक ले लीजिए, हम दूध या चढ़ाते थोड़ा गर्म करते हैं और फिर आकर उसकी मिक्सिंग एंड देन हर्बियन। ये जल रहा था इसको मैंने सोचा कि होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए। भाई बाय द वे ये जो पोटैटो श्रिम्स बॉल्स बनी है शाजिया बहुत मजे की है। हाँ ऊपर से क्रम्स भी क्रिस्पी, अंदर से बहुत कम इंग्रेडिएंट में, और आलू का और श्रिम्स का जो हमने सिब्लू के इस्तेमाल किया उसका फ्लेवर आ रहा है, ये आप ज़रूर बनाएं। मैं ब्रेड के साथ खा रही हूँ और ब्रेड के साथ मैंने पाए भी दोबारा से ट्राई किए, फ्लेवर अच्छा आया है, लेकिन जैसे जो एक ओरिजिनल रेसिपी हमारी कराची वाले पाए की होती है ना शाजिया, वो ज़्यादा बेटर। तो ये लाहौर के, ये लाहौरी वो पाए हैं, हाँ। आप इसको कह सकते हैं कि ये टमाटर के साथ और वो, लेकिन वो सालन वाला इफेक्ट नहीं, जैसे मैं समझ रही कि सालन अच्छा। लगेगा ये मैं बता देती हूँ। इसमें हाँ, मैंने सिंपल दूध को हीट किया था और उसमें कोको पाउडर डाला था, चीनी डाली थी, मिक्स किया है और एक चम्मच हम इसमें हर्बियन डालेंगे, टी स्पून फ्रूट पंच फ्लेवर। हाँ फ्रूट पंच फ्लेवर, जैसा फ्रूटी सा आ जाएगा फ्लेवर, कलर भी चेंज हो जाएगा ऊपर। ऐसे मिक्स करते हैं, थोड़ा सा कलर वो रहा है अलग अलग से, ज़्यादा मिक्स नहीं किया। अब इसमें मैं ना ऊपर हाँ। विपिंग क्रीम ऐड करूँगी। अच्छा सही है, हॉट चॉकलेट बनाइए हाँ। और उसको हेल्दी कर दीजिए हर्बियन का हस्क इस्तेमाल करके। मज़े का है ये नाश्ता कर लेना, अच्छा हो जाएगा। वेरी नाइस जी, आज का शो भी आपने देखा, सारी रेसिपीज बन गई, पाए निकल गए पाए रखते थे। और ये सॉस बहुत मज़े की है, फ्रेश स्ट्रीट की, मज़ा आ रहा है कटलेट का। पास्ता से भी खाए ना तो भी अच्छा। भाई शक्ल तो पाए की अच्छी आई है, मैं अगर नंबर में देना चाहूँ इसको पाए की रेसिपी को तो मैं इसको 7.5 मैं दे दूँगी कि हाँ ये पाई की इस तरीके से। आपके मैार पे पूरे नहीं उतरे नहीं, मैं आधे से ज़्यादा दे दिया है उसको मतलब पाई का है फ्लेवर, बट फिर भी मैं कहूँगी जो हमारे कराची वाले जो एक पाए बनते हैं ना, जो एक फ्लेवर जो ऑथेंटिक वाला रेसिपी, वो बेटर हाँ। रेसिपी है ये, फॉर अ चेंज आप ट्राई कर सकते हैं इसको, ये सालन नहीं कहेंगे इसको पाए ही कहेंगे। हेल्दी है हाँ। देखा जाए तो हाँ हाँ इंग्रेडिएंट्स तो खैर अपने वही हैं सारे, मज़े का था। हाँ जी आज के हमारे विनर्स मेकअप सिटी के वाउचर्स जा रहे थे हुमा को, और गए हैं इनफैक्ट हुमा को और फातिमा को कराची से। आप लोग मेकअप सिटी के किसी भी आउटलेट पे जाइए और ये वाउचर्स को अवेल कीजिए, मज़े से ब्यूटी जो भी चीज़ें आपने लेनी हैं जो आपकी ज़रूरत की हैं और अवेल कीजिए, इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, सारी रेसिपीज़ डन एंड गुड एंड नाइस रिलैक्स।
रिलैक्स ही पकाती हूँ मैं। हाँ, स्माइलिंग स्माइलिंग। अच्छा जी, आपने भी इसी तरह से मुस्कुराना है। कल इंशाल्लाह नए मेहमान और नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक सोचिए, गौर कीजिए, क्या तब्दीली लेकर आए आप अपनी नेचर में, अपनी आदत में, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। इतनी सारी बातें सीखी हैं, कुछ ना कुछ अप्लाई किया, नहीं किया, या सिर्फ सुना यहाँ से और यहाँ से निकाल दिया और लगे रहे अपनी ज़िंदगी में। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। Lively Weekends, Lively Weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता साथ, होती है प्यार की बात।